नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस। आज जीन सीक्वेंसिंग की स्टडी के लिए सबसे पहले जिसने वैज्ञानिक ने जो देखा था वो सेंगर थे, इसलिए हम इसे सेंगर सीक्वेंसिंग के नाम से भी इसको हम स्टडी चूंकि इस टेक्निक को जो है सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर और उसके जो साथी थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्होंने 1977 के अंदर 1977 में सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया। और ये टेक्निक जो है इनविट्रो डीएनए संश्लेषण से संबंधित है, उसको ये इसमें इनविट्रो डीएनए संश्लेषण इन्वॉल्व होता है। इनविट्रो का मतलब लेबोरेटरी के अंदर जो डीएनए का संश्लेषण है वो उसके द्वारा इस सिक्वेंसिंग को किया जाता है। और ये जो टेक्निक है ये डीएनए के रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन की जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं या उसके जो सिद्धांत है उस पर आधारित है यह सेंगर की सीक्वेंसिंग। इसमें देखिए सबसे पहले एक्चुअल में इस सीक्वेंसिंग में क्या किया जाता है कि इसमें डीएनए खंड के जो आवश्यक न्यूक्लियोटाइड क्रम जो है उसका अध्ययन किया जाता है कि भाई न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या है किसी भी डीएनए खंड के जिसकी हमें स्टडी करनी है पर्टिकुलरली। और इसके लिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि इसमें सबसे पहले जिसकी जरूरत होती है वो होती है इनविट्रो डीएनए की। इनविट्रो डीएनए का मतलब प्रयोगशाला में जो संश्लेषित जो डीएनए है वो उसके द्वारा इस टेक्निक को किया जाता है। और इसके लिए क्या है, डबल हेलिकल जो डीएनए होता है ये तो देखिए सिंगल स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है डीएनए का। और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का कैसे आता है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसको डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब उसको 94 या 95 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया जाता है जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाते हैं। और वो सेपरेट हुए हुए जो स्ट्रैंड है वो अब एक डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं। इसे डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको कहा जाता है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही इन प्राइमर की सहायता से नए कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस है वो प्राप्त होते हैं इसके अंदर। नए बेस जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस इन न्यूक्लियोटाइड जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस इसके ऊपर प्राप्त होंगे। और ये क्या है, देखिए जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड जो है और 5 प्राइम एंड की ओर है तो इस पर जो प्राइमर जो जिसकी जरूरत होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर इसका ये प्राइमर सीक्वेंस होगा। प्राइमर का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि प्राइमर जो है 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के प्राइमर्स होते हैं और ये प्राइमर्स भी फॉरवर्ड और रिवर्स कई तरह के प्राइमर होते हैं, वो हम आवश्यकता अनुसार इसके अंदर हम ले सकते हैं। और ये जो प्राइमर है ये रेडियो लेवल्ड प्राइमर होते हैं, मतलब इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इसके अंदर होते हैं जिससे कि हमारे को बाद में डिटेक्शन इसका इजी हो जाए। तो इसमें ये जो एक्चुअल में ये जो प्राइमर है ये प्राइमर एक नए डीएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण का प्रारंभ बिंदु होगा। यहाँ से ही नया डीएनए का जो खंड है कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो इसमें सिंथेसिस होगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि यहाँ सबसे पहले डीएनटीपीज की जरूरत होगी। डीएनटीपीज क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, या इनको अपने यूं कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनकी बहुत सी अधिक मात्रा की इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये एडेनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है और थायमिन भी हो सकते हैं। तो ये जो डीएनटीपीज है ये इसके अंदर इनको यदि हम जब डालेंगे तो ये अब इसमें ये क्या करेगा, इसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइम के थर्ड प्राइम पर जो है यहाँ इसमें अटैच होगा। एक्चुअल में ये जो थर्ड प्राइम है इसमें मैं अभी आगे अगली स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है थर्ड प्राइम एंड पर उसके शुगर के अंदर। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच होकर के आगे इसमें नए इन न्यूक्लियोटाइड की सहायता से नए स्ट्रैंड का निर्माण करता जाएगा। और इस ये जो कैटलाइज करेगा ये जो डीएनए
सिंथेसिस जो इसके द्वारा होगा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, इससे ये 5 एंड से 3 प्राइम एंड की ओर इसमें नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये है कि ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर बहुत आवश्यक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है डीएनए संश्लेषण के लिए। तो क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इस क्रिया को, डीएनए पॉलीमरेज जो है इस रिएक्शन को खुद नहीं कर सकता, तो इस डीएनए पॉलीमरेज को, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए इस प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। प्राइमर में भी थर्ड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसकी प्राइम, थर्ड प्राइम पर OH ग्रुप जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं। ये मैं अभी देखो आपको अगली स्लाइड में, ये देखिए इसमें मतलब प्राइमर बहुत एसेंशियल है डीएनए सिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर के बिना काम नहीं कर सकता। अकेला डीएनए पॉलीमरेज इस पे नए न्यूक्लियोटाइड्स का इसको इनके साथ नहीं जोड़ सकता। न्यूक्लियोटाइड तो हमने रिएक्शन मिक्सचर में डाले हुए हैं, लेकिन इनको इस टेम्पलेट के ऊपर लगाने के लिए इस प्राइमर की जरूरत होती है। क्योंकि देखिए ये जैसे ये प्राइमर है, अब इस प्राइमर में ये थर्ड, ये शुगर है, इस शुगर पर ये थर्ड प्राइम जो है, थर्ड प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना बहुत जरूरी है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ होगा तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, मतलब अगले जो न्यूक्लियोटाइड से जो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेंगे वो इस थर्ड प्राइम से ही जुड़ेंगे फॉस्फोडाइस्टर के द्वारा, और जिससे आगे से आगे चेन बनती जाएगी, डीएनए की चेन बनती जाएगी। तो ये प्राइमर क्या है एक्चुअली, ये प्रोवाइड करते हैं इनिशियल थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद द इनकमिंग डीएनटीपीज। मतलब ये जो डीएनटीपीज है, ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स हैं या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स ये थर्ड प्राइम, यदि प्राइमर में जो थर्ड प्राइम पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये होगा, तभी ये आगे से आगे जुड़ते जाएंगे। और इसको जोड़ने में काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज इसको जोड़ने का काम करेगा इसके अंदर। तो ये इसमें इसलिए इसकी इस जो प्राइमर है बहुत आवश्यक होते हैं डीएनए के संश्लेषण के लिए। तो अब ये देखिए इसमें जो सेंगर की तकनीक है, ये इस डीएनटीपी के आधुनिक स्वरूप, मतलब इस टेक्निक के अंदर डिऑक्सी, ये तो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड वो है, डीएनटीपी है ये, देखिए ये तो एक डीएनटीपी है, जिसमें ये जो शुगर है ये तो फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड्स हैं, और ये इसमें शुगर है जिसके ऊपर ये नाइट्रोजन बेसिस इसमें लगे होते हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस ATCG होते हैं। तो इस ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस जो ट्राईफॉस्फेट है, इसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। तो डी ऑक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देखिए इसमें ये जो शुगर है इस ग्लूकोज के, या जो ये शुगर है इस शुगर के थर्ड प्राइम पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें लगा हुआ है, तो ये डीएनटीपी कहलाता है, ये एक डीएनटीपी कहलाएगा। और इस डीएनटीपी में से, यदि हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन को हटा दें तो, और तो यहां क्या रह जाएगा? सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा, थर्ड प्राइम पर ये हाइड्रोजन रह जाएगा। तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? अब इसे कहेंगे डी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, मतलब डी डीऑक्सी। डी डीऑक्सी का मतलब यहां से हमने ऑक्सीजन को हटा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए इस जो सेंगर की जो तकनीक है, ये सेंगर की तकनीक इस डीएनटीपी के आधुनिक स्वरूप जो डीडीएनटीपी है इसके उपयोग को करती है, मतलब इसके उपयोग के द्वारा ये तकनीक इस पर निर्भर है। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर में ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसमें ये डीऑक्सी न्यूक्लियर डीएनटीपी के अंदर तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर मिलेगा, और जब तक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तब तक तो डीएनए पॉलीमरेज काम करता रहेगा, आगे से आगे डीएनए के नया तंतु बनता रहेगा, न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ये डीडीएनटीपी आ जाएगा, ये डीडीएनटीपी का मतलब जिसमें से थर्ड प्राइम पर जो सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल नहीं है, तो ये आते ही या अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा और ये इसको टर्मिनेट कर देगा, इसको स्टॉप कर देगा, डीएनए सिंथेसिस को रोक देगा। तो इसलिए
इस जो सेंगर की जो टेक्निक है इसका इसको ये जो सेंगर की सिक्वेंसिंग है इसको चेन टर्मिनेशन मेथड या डी डीऑक्सी डीएनए सिक्वेंसिंग भी कहते हैं। सेंगर को सेंगर सिक्वेंसिंग को चेन टर्मिनेशन मेथड या डी डीऑक्सी डीएनए सिक्वेंसिंग भी। अब देखिए इसमें सेंगर सीक्वेंसिंग में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। मुख्य रूप से मैं इसमें बता देता हूं कि इसमें चार सेपरेट क्रियाएं होती हैं जो पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। चार पैरेलल रिएक्शंस हैं और इसे हम लेबल करते हैं जैसे 1 2 3 4 इस तरह से हम इसको लेबल कर देते हैं। और इसमें सब में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इन चारों के अंदर एक कॉमन रिएक्शन कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, मतलब कॉमन रिएक्शन मिक्सचर भी बोलते हैं इसको, इन चारों के अंदर डाला जाता है। उस कॉमन रिएक्शन मिक्सचर कौन सा होता है जिसमें पहला घटक जो है कंपोनेंट तो होता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड की हमारे को सिक्वेंसिंग देखनी है, जीन सिक्वेंसिंग या डीएनए सिक्वेंसिंग देखनी है उसकी बहुत सारी कॉपियां इसके अंदर इसमें डाली जाती हैं, चारों के अंदर डाली जाती हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये लिए, ये अभी तक अननोन है हमारे लिए लेकिन अध्ययन की दृष्टि से आपने इसको मैं बता रहा हूं आपको कि भी जैसे इसके अंदर सीक्वेंसिंग में थायमिन एडिनिन साइटोसिन गुएनिन और TGAACTAG ये 3 to 5 एंड में ये इस तरह से टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है जिसकी हमारे को एक्चुअल में सीक्वेंसिंग देखनी है। ये तो आपके अध्ययन के लिए बता रहा हूं, अभी तक ये अननोन है। अब मैं इसको भी मान के चले कि हमारे को ये नहीं पता कि कौन सी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमें देखनी है इसके अंदर। और दूसरा घटक इसके अंदर जो है वो होता है डीएनए प्राइमर। ये डीएनए प्राइमर जैसे मैंने पहले बताया था इसकी बहुत सी कॉपी ली जाती है डीएनए प्राइमर्स की, ये फॉरवर्ड भी हो सकते हैं रिवर्स प्राइमर भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रेडियो लेबल्ड होते हैं। रेडियो लेबल्ड होने का कारण है कि ये जब इसमें से विकिरण निकलेंगे तो हम एक्सरे प्लेट्स के द्वारा या अपने उपकरणों के द्वारा इसको रीड कर सकते हैं कि ये इसमें कौन सा डीएनए प्राइमर है, इसलिए ये रेडियो लेबल्ड होते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है इसका वो है इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही चेन को आगे बढ़ाने का काम करता है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलीमरेज एंजाइम इस प्राइमर के साथ ही काम करता है, अदरवाइज अकेला ये नए डीएनए का संश्लेषण नहीं कर पाएगा। और ये संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं, चौथा चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है वो डीएनटीपीज हैं। डीएनटीपीज जैसे मैंने बताया था पहले डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत सारी मात्रा में इसमें चाहिए होते हैं। इन पहले के अंदर भी खूब न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी। उसका कारण ज्यादा मात्रा क्यों होती है, क्योंकि यही बेस ये बेसेस है एक्चुअल में, न्यूक्लियोटाइड बेस है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बेस ही नए जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उसके ऊपर ये जुड़ेंगे और जुड़ करके नया स्ट्रैंड बनाएंगे, इसलिए इसकी बहुत सारी लार्ज अमाउंट इसका चाहिए होता है। और अब अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सेंगर की सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग में बहुत आवश्यक होती है। ये चार कंपोनेंट्स तो ये तो कॉमन है, मतलब कॉमन रिएक्शन मिक्सचर कहलाता है कि ये चारों के अंदर ये चार घटक तो होंगे ही होंगे इसके अंदर। और जो पांचवा घटक है वो सबके अंदर इन चारों के अंदर अलग अलग होगा। वो कैसे अलग होगा वो मैं देख ये देखिए ये पांचवा घटक है जिसे हम डीडीएनटीपी बोलते हैं या डी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट DDNTP, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड प्राइम हाइड्रोक्सिल था वहां से ऑक्सीजन हटा दी थी तो सिर्फ वहां पे थर्ड प्राइम हाइड्रोक्सिन के स्थान पर हाइड्रोक्सिल के स्थान पर हाइड्रोजन रह गया था और DDNTP का निर्माण हुआ था। तो ये मॉडर्नाइज टेक्निक है। तो इसका स्मॉल अमाउंट DDNTP, ये DDNTP चार तरह के होते हैं, एक तो वो जिसमें एडिनिन हो, दूसरा DDNTP कौन सा जिसके अंदर साइटोसिन हो, तीसरा जिसमें गुएनिन हो और चौथा जिसके अंदर थायमिन हो। तो इनके नाम भी इसी तरह से होते हैं कि डी डीऑक्सी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, डी डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी डीऑक्सी गुएनिन ट्राइफॉस्फेट
और डी डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चार तरह के डीडीएनटीपीज़ जो हैं, चारों अलग अलग इसके अंदर डालेंगे, लेकिन इसके स्मॉल अमाउंट डालेंगे। जरूर ध्यान रखिए कि इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर काम में नहीं आता। तो ये हमारे को ये विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि इनका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको आगे बताता हूँ, देखिए इसमें नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, जैसे पहला जैसे मिक्सचर है, पहले मिक्सचर में जैसे हमने मान लो, या ये डीडीएनटीपी कैसे काम करते हैं कि जैसे ये देखिए डीएनए टेम्पलेट के ऊपर हमने प्राइमर लगाया या उसके अंदर प्राइमर डाला था, जो वो प्राइमर इसमें इस जगह थर्ड प्राइम एंड पर जो है ये प्राइमर यहाँ लगा है इसके, और अब इसके अंदर ये डीएनए पॉलीमरेज इसके थर्ड प्राइम पर आकर के आएगा, जुड़ेगा, और यहाँ चूंकि इस प्राइमर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है डीएन, तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ये जो डीएनटीपीज हैं या न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स हैं, ये आकर के इसमें जुड़ेंगे और इस चेन को इलोंगेट करेंगे, लंबा करेंगे, नया मतलब नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। लेकिन जैसे इसके अंदर हम डीडीएनटीपी डालेंगे, देखिए डीडीएनटीपी कोई भी हमने इन चार में से कोई एक डीडीएनटीपी डाल दिया, तो ये डीडीएनटीपी में क्योंकि थर्ड प्राइम पर हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है, तो वहाँ उसके स्थान पर हाइड्रोजन है, तो ये उस स्थान से आगे और नए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा और ये इसको चेन को डीएनए की चेन को रोक देगा, इसको टर्मिनेट कर देगा। तो ये डीडीएनटीपी का ये रोल होता है। तो ये कैसे अब हमारे काम में आता है ये मैं अब आगे आपको। तो ये हाँ, इसमें देखिए कि ये जैसे इसने इसको रोका, यहाँ पे चेन को रोका डीडीएनटीपी ने, अब ये जो टुकड़ा है, अब ये टुकड़ा एक्चुअल में पूरा डीएनए स्ट्रैंड नहीं बन पाया है। इस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड पूरा नहीं बन पाया, छोटा टुकड़ा ही बन पाया, पार्शियली बन पाया, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियली रेप्लीकेटेड फ्रेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इस फ्रेगमेंट को क्या कहेंगे, पार्शियली, पार्शियली का मतलब आंशिक, रेप्लिकेटेड का मतलब जिसकी प्रतिकृति हुई है, और फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़ा। तो आंशिक प्रतिकृति इसका खंड अब डीएनए का इसके ऊपर ये बन गया डीडीएनटीपी की वजह से। तो इस तरह के कई खंड इसमें बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे मान लो पहले उसके अंदर हमने जो चार हमने वो लिए थे रिएक्शन मिक्सचर, उसमें पहले रिएक्शन मिक्सचर में हमने ये डीडीएनटीपी कौन सा डाला था, डीडीएटीपी डाला था। तो ये डीडीएटीपी की स्मॉल अमाउंट हमने डाला, तो ये डीडीएटीपी क्या करेगा, अब ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, इस टेम्पलेट स्टैंड पर ये एडिनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो उसको ढूंढेगा कि कहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है। तो इसके अंदर देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री एडिनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सा होता है, जैसे हमेशा आपको पता है कि ए का टी होता है और सी का जी होता है, तो ये एडिनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो ये टी है, और ये टी कितने हैं यहाँ पर, ये थाइमिन, तीन थाइमिन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये डीडीएटीपी तीन टुकड़े बनाएगा इसके, इस टेम्पलेट जो डीएनए है इसके ये तीन टुकड़े कर देगा टी के स्थान पर। तो पहला टुकड़ा जो बनाया है इसने, देखिए पहला टुकड़ा तो इस यहाँ ये इस स्थान पर ये ए आ जाएगा यहाँ पर, तो ये पहला टुकड़ा छोटा फ्रैगमेंट है, इस ये कौन सा फ्रैगमेंट हो गया, पार्शियली रेप्लिकेटेड फ्रैगमेंट, छोटा, ये छोटा फ्रैगमेंट हो गया। अब दूसरा टुकड़ा डीएनए फ्रैगमेंट क्या है कि थोड़ा सा यहाँ तक चलेगा और ये यहाँ पर इसको तोड़ देगा ये, क्योंकि छोटा कम अमाउंट में हम डीडीएनटीपी डालते हैं तो ये अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, छोटे टुकड़े भी बनाएंगे बड़े टुकड़े भी बनाएंगे। तो दूसरा टुकड़ा यहाँ यहाँ इसमें सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए ये दूसरा टुकड़ा जो है फ्रेगमेंट इतना हो गया, ये पार्शियली रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंट। और तीसरा टुकड़ा क्योंकि ये टी यहाँ है तो यहाँ तक बनेगा, ये यहाँ आकर के ये डीएनए का स्ट्रैंड रुक जाएगा, क्योंकि ये डीडीएटीपी जो है यहाँ इसको ये आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं मिलेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, तो इससे और आगे इसमें स्टैंड नहीं बन पाएगा, तो ये यहीं ये रुक जाएगा। तो जो तीसरा टुकड़ा है
वो फ्रैगमेंट है वो आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, मतलब सबसे छोटा फ्रैगमेंट, उससे बड़ा फ्रैगमेंट और बड़ा फ्रैगमेंट, इसी प्रकार चारों के अंदर ये इस तरह से फ्रैगमेंट्स बनने। अब देखिए जैसे दूसरे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमने DDNTP कौन सा डाला था, DDCTP, साइटोसिन हमने DD डाला था इसके अंदर। अब देखिए साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सा होता है, सी का जी होता है। तो यहां कितने जी दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपको 3 जी दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 3 तरह के फ्रेगमेंट्स बनेंगे इसके अंदर भी। तो ये फ्रेगमेंट्स, ये छोटा फ्रेगमेंट इस स्थान तक, मतलब डीएनए का सिंथेसिस हुआ, और फिर उसके बाद में कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको ये यहां तक के भी मिलेंगे और कुछ फ्रेगमेंट्स आपको यहां तक के मिलेंगे, क्योंकि यहां आकर के फिर ये DDCTP जो है इसका यहां आकर के जब ऐड हो जाएगा तो आगे और इसमें डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं बढ़ेगा इस टेम्पलेट डीएनए पे। तो इसके अंदर सेकंड के अंदर भी हमारे को कितने मिलेंगे, 3 प्रकार के हमारे को पार्शियली रेप्लिकेटेड फ्रैगमेंट्स हमारे को 3 तरह के इसके अंदर मिलेंगे। तीसरा, ये देखिए तीसरा जो रिएक्शन मिक्सचर है, तीसरे रिएक्शन मिक्सचर में हमने DDGTP लिया है। तो DDGTP जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सा है, सी, और इसके अंदर सी हमारे को कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 सी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे को 2 ही फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, एक फ्रेगमेंट तो जो कुछ फ्रेगमेंट्स तो छोटे फ्रेगमेंट होंगे जो यहां तक ही बनेंगे, और कुछ फ्रेगमेंट्स आपको इसके अंदर इस सी तक के ही मिलेंगे। इस तरह से देखिए ये 2 तरह के फ्रेगमेंट्स इसमें बन गए, ये पार्शियली रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंट्स हैं, 2 तरह के फ्रेगमेंट्स इसमें बनेंगे। और चौथे में देखते हैं मिलेंगे हमारे को, चौथे में क्योंकि थाइमिन इसके अंदर DDNTP जो है वो थाइमिन है यहाँ पर, तो थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, एडिनिन होता है। और एडिनिन यहाँ हमारे को कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 एडिनिन हमारे को दिखाई दे रहे हैं। तो इन 4 एडिनिन के ऊपर ये जो है फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 4 तरह के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, छोटा फ्रेगमेंट यहाँ तक का, दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ तक का बनेगा, यहाँ इससे आगे नहीं बन पाएगा क्योंकि हमने स्मॉल अमाउंट में ये DDNTP लिया है। और इस तरह से 4 फ्रेगमेंट्स आपको इस चौथे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्राप्त होंगे। इस तरह से देखिए ये जो चारों रिएक्शन मिक्सचर हैं, चारों के अंदर जो आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इनका DDNTP का डाला था, तो इसके अंदर आपको पहले के अंदर आपको 3 फ्रेगमेंट्स मिले। ये फ्रेगमेंट्स क्या कहलाते हैं, पार्शियली रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंट्स हैं। दूसरे के अंदर भी 3 मिले, तीसरे के अंदर हमारे को 2 फ्रेगमेंट्स मिले थे, चौथे के अंदर हमारे को ये 4 रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंट्स हमारे को इसके अंदर मिलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो अब रिएक्शन मिक्सचर जो हमारे को प्राप्त हो गया, एक्चुअल में ये क्या हुआ था, हमने पहले मेन जो डीएनए स्ट्रैंड था उसको हमने डीनेचर करके सेपरेट किया था, और उसके बाद में जैसी प्राइमर इसके उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो सेपरेट जो हो जाते हैं स्ट्रैंड्स उनको हम 54 डिग्री पर ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर प्राइमर जुड़ जाते हैं, और प्राइमर जुड़ने के बाद में फिर उसको हम 72 डिग्री टेम्परेचर करते हैं, तो वो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो चेन का इलोंगेशन करता है, और जैसे ये फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं तो फिर इसे वापस इनको 94 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे कि ये फ्रेगमेंट जो बने हैं ये टेम्पलेट से अलग हो जाए। तो ये साइकिल चलती रहती है इसके अंदर, पहले 94 डिग्री, फिर उसके बाद में 54, 55 डिग्री, और उसके बाद में 72 डिग्री, जिस पर चेन का इलोंगेशन हो जाता है। जैसे ये फ्रेगमेंट बनते हैं तो उसके बाद में हम इसको मतलब जैसे 1 मिनट के लिए तो हम उसको 94 डिग्री पर रखेंगे, 45 सेकंड के लिए हम इसको 54 डिग्री पर रखेंगे, फिर हम 1 से 3 मिनट तक हम इसको 72 डिग्री पर रखेंगे, और फिर उसके बाद में 90 उसके बाद में फिर हम तुरंत इसको 92 डिग्री या 94 डिग्री तक हम इसको ले जाएंगे, जिससे कि ये मुख्य जो डीएनए के टेम्पलेट था उस टेम्पलेट से ये फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं। अब ये इस तरह से करने पर हमारे को ये चारों के अंदर हमारे को ये जो है इतनी संख्या में हमारे को फ्रेगमेंट्स मिले हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स मिल तो गए हमारे को, अब हमें ये पहचानना है कि इन फ्रेगमेंट्स में कौन कौन से इसके अंदर DDNTPs हैं और कौन से प्राइमर्स जो रेडियो लेबल्ड प्राइमर्स हैं उसके आधार पर। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो पेज टेक्निक।
पेज, ये है पेज टेक्निक। पेज टेक्निक का क्या मतलब होता है? पी का मतलब पेज का पी, पॉली, ए का एक्रिलेमाइड, और जी का मतलब होता है जेल, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, शॉर्ट में इसको कहते हैं पेज। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं ये मैं अभी आगे बताता हूँ आपको इसको। हाँ, ये देखिए, अब इसके अंदर ये पेज टेक्निक है। पेज टेक्निक में क्या किया जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ये चार वेल बने हुए होते हैं, चार वेल बोलते हैं इसको, और इसके अंदर ये जेल इसके अंदर डाली हुई होती है, और ये पॉलीएक्रिलेमाइड एग्रोस जेल भी होती है, पर एग्रोस जेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलीएक्रिलेमाइड जेल काम में ली जाती है, इसकी ज़्यादा एफिकेसी होती है और एक्यूरेसी होती है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम करंट पास करते हैं। करंट पास क्या करते हैं कि इधर तो यहाँ हम नेगेटिव चार्ज देते हैं और इधर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो इसके अंदर जो DDNTPs या जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करते हैं। तो जैसे ही हम इन चारों वेल के अंदर, हमने इसके अंदर क्या किया कि जो हमने नए जो इसके अंदर वो जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर थे चारों, वो रिएक्शन मिक्सचर इसके अंदर हम जैसे ही डालते हैं, तो इसके जो फ्रेगमेंट्स थे, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे, जैसे पहले के अंदर तीन फ्रेगमेंट्स थे मैंने बताया था, दूसरे के अंदर भी तीन फ्रेगमेंट्स थे पार्शली जो रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंट्स हैं, तीसरे के अंदर दो ही फ्रेगमेंट्स थे, चौथे के अंदर चार फ्रेगमेंट्स थे। तो ये फ्रेगमेंट्स अब यहां से जब मूवमेंट करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इसमें जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो यहीं रुक जाएगा। और जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, वो बिल्कुल दूरस्थ जो है मैक्सिमम दूरी तय कर सकते हैं, वो जितना हल्का होगा वो उतने ज्यादा दूर डिस्टेंस दूरी तय करेगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और ये डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करने का कारण क्या है कि हम इसको चार्ज देते हैं। यहाँ पर हम बैटरी एक लगा देंगे, बैटरी से यहाँ से नेगेटिव चार्ज देंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, तो जिससे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये फ्रेगमेंट्स मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इन्होंने अपनी मूवमेंट कर दी। तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो है बिल्कुल लास्ट में होगा, और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट जो है ये वेल के पास ही होते हैं, ये जो वेल है इन वेल के पास ही होते हैं, वेल या कुआं जिसको बोलते हैं, इन कुओं के पास में होंगे जहां पे हमने चार्ज किया था, ये जो अपने रिएक्शन मिक्सचर को हमने चार्ज किया था। अब इस ये होने के बाद में अब क्या होगा, अब आगे मैं बताता हूं इसमें कैसे इसके अंदर ऑटो रेडियोग्राफी। ये देखिए, ये अब इसकी ऑटो रेडियोग्राफी होती है। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि इस जेल के अंदर जो ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स में, क्योंकि मैंने बताया था कि रेडियो लेवल इसके अंदर प्राइमर्स थे, तो ये रेडियो लेवल प्राइमर्स को रीड किया जाता है। रीड करने का तरीका पहले तो एक्सरे प्लेट से किया जाता था, लेकिन आजकल इसमें ऐसे उपकरण आ गए हैं, कंप्यूटराइज एपरेटस हैं, जो कि ये रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा हमने रेडियोएबल प्राइमर इसके अंदर डाला है। तो उसको जब हम रीड करते हैं, तो रीड करने पर ये हमारे को जो सीक्वेंस मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, देखिए। तो ये तो मैंने इसको रीड करने का तरीका ये है कि इसको बॉटम से टॉप की तरफ रीड किया जाता है, बॉटम से टॉप की तरफ रीड करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे ये जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट था, और ये क्योंकि हमें पता है कि ये हमने इसमें DDATP हमने इसके अंदर डाला था, तो ये इसके अंदर ये हमारे को जो बैंड दिखाई दे रहा है, तो ये बैंड कौन सा होगा, ए बैंड कहलाएगा। दूसरा बैंड ये यहाँ जो दिखाई दे रहा है छोटे वाला, तो ये टी का बैंड है, मतलब ये थायमिन है यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ जी है, और ये इस नेक्स्ट इसके बाद में, मतलब ये बॉटम से टॉप की तरफ हमारे को इसको रीड करना है इनके साइज के हिसाब से। तो ये साइज के हिसाब से हम इस तरह से ये इसकी सीक्वेंस आ जाएगी। अब ये एक्चुअल में ये सीक्वेंस किसकी है, ये सीक्वेंस है नया बना जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो नया बना था, सिंथेसिस हुआ है वो, उसकी सीक्वेंस है। तो इसका मतलब टेम्पलेट, जो ओरिजिनल टेम्पलेट जो था उसकी सीक्वेंस क्या होगी, क्योंकि ये 5 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर इसकी डायरेक्शन है। जैसे मैंने बताया था आपको कि उसके अंदर थर्ड हाइड्रोक्सिल जो टेम्पलेट था, उसके थर्ड हाइड्रोक्सिल पर ये बन रहा था, तो इसका जो ओरिजिनल टेम्पलेट है
वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, ओरिजिनल जो टेम्पलेट है वो कैसे होगी देखिए, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, तो ये ओरिजिनल टेम्पलेट सीक्वेंस क्या होगी इसकी, सी के सामने जी होगा और ये टी के सामने ए होगा, ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा, टी के सामने ए होगा और टी के आगे ए होगा, थायमिन के आगे एडिनिन होगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन होगा, एडिनिन के सामने थायमिन होगा। तो ये इसकी एक्चुअल में जो, अब ये सीक्वेंस हमारे को पता लगी कि जो डीएनए का हमने टुकड़ा लिया था या जो जिस डीएनए की सीक्वेंस हमारे को देखनी थी ओरिजिनल, वो ये ओरिजिनल टेम्पलेट स्टैंड उसकी ये सीक्वेंस है। तो इस तरह से ये हम इसकी जो जीन की सीक्वेंसिंग हम इस तरह से देख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है सेंगर का और बहुत आसान भी है, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा होता है। ये जो पेज जो इसमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल है ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद इसको माना जाता है। तो इस तरह से ये की जाती है। ये देखिए इसके अंदर किस तरह से ये इसमें टेम्पलेट, ओरिजिनल टेम्पलेट स्टैंड जो है ये है इस तरह का, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है और ये स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है। ये मैंने आपको बताया था कि जेल में कैसे इसके अंदर मूवमेंट होती है, कि इसमें नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ या नेगेटिव चार्ज होगा, वेल की तरफ या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये फ्रेगमेंट्स मूवमेंट करेंगे। सबसे छोटा फ्रेगमेंट लास्ट में होगा, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट इसके वेल के पास में होगा और इस तरह से इसको रीड किया जाता है। तो इस तरह से ये जीन की सीक्वेंसिंग जो है ये की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग मैंने आपको पीसीआर के अंदर बता रखे हैं। पीसीआर के अंदर, पीसीआर के बाद में इसको जो इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है उसी से हम इसके बारे में, जैसे विभिन्न प्रकार के रोग रोगाणु है, वायरस है, या किसी में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करनी है तो उसके अंदर हम कैसे उसकी सीक्वेंस निकालेंगे, तो उसका तरीका ये है सीक्वेंसिंग का। तो ये आपको जो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर इसको और फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने और दोस्तों को आप दिखा सकते हैं, और इसमें आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भी इसी तरह का, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाए। और इसको जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें तो बहुत अच्छा होगा, और कोई आपको डाउट है इसके बारे में तो आप इसमें मेरे को YouTube के ऊपर ही आप इसमें मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आपका नया साल 2021 जो है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल।